नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और घंटी के निशान को ऑल पर दबा दें। और अगर आप अभी तक हमारे WhatsApp या Telegram ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हमें अब ऑल पर से मैसेज करें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करें, लेकिन कारण अवश्य बता दें ताकि हम अगले वीडियो में सुधार कर ले। वीडियो को पूरा देखें। चलिए अब वीडियो का मजा लीजिए। सो हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का टेक विशाल यूट्यूब चैनल में, और मेरा नाम है विशाल। तो आ चुके हैं हैंड क्रिकेट पार्ट 3 को लेकर। हालांकि ये जो वीडियो है ये थर्सडे को अपलोड होनी चाहिए, लेकिन थर्सडे को पहले से एक वीडियो बन रखी थी, इसलिए मैंने नहीं अपलोड करी। तो आज ये वीडियो अपलोड होगी यानी फ्राइडे को। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे हैंड क्रिकेट फ्लैश चैलेंज, गेम रिक्वेस्ट और फैन रिक्वेस्ट के बारे में। ठीक है, ये तीन ऑप्शन हमें चूज कर सकते हैं, फ्लैश चैलेंज, गेम रिक्वेस्ट और फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इन के ऊपर हम बताएंगे। फ्लैश चैलेंज में अगर कोई प्लेयर मिलता है तो उसे खेल के भी दिखाएंगे, नहीं मिलता तो इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तीन काम जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक विशाल यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है विशाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको बताने वाले हैं हैंड क्रिकेट के जो तीन ऑप्शन हमने सिलेक्ट किए हैं, फ्लैश चैलेंज, फ्रेंड रिक्वेस्ट और गेम रिक्वेस्ट, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए चलते हैं हैंड क्रिकेट में। तो यहाँ पर मैं हैंड क्रिकेट को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेटिंग। यहाँ पे सब कुछ अपडेट हो रहा है, हमारा स्कोर, स्ट्राइक रेट सब अपडेट हो रहा है। तो देखिए सब कुछ हो चुका है। अब ऑप्शन ये प्ले बटन हम बाद में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले मेन्यू में चलते हैं। हमने आपको पिछली बार बताया था योर प्रोफाइल को कैसे मैनेज करना है ना, लीडरबोर्ड में जाकर। अब हम गेम रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट और फ्लैश चैनल के बारे में बताएंगे। यदि फ्लैश चैनल में कोई प्लेयर मिलता है तो उसे खेल भी लेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा फिर, पर कोई नहीं। चलिए चलते हैं नेविगेशन मेन्यू में। यहाँ पर मेन्यू ओपन हो चुका है और ये मेरा यूजर नेम है। योर प्रोफाइल हमने आपको दिखा दिया था। तो पहला ऑप्शन जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये आपको दिखाना है। टूर्नामेंट्स अभी नहीं दिखाएंगे। गेम रिक्वेस्ट, फिर आपको गेम रिक्वेस्ट दिखाएंगे, फ्लैश चैलेंज और फिर फ्लैश चैलेंज। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, एक तरह से जैसे ना मतलब हम फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऐसे हमें रिक्वेस्ट भेजेगा कोई भी, तो हमारे नोटिफिकेशन में दिखाएगा कि हैंड क्रिकेट नाउ, जिसने भी रिक्वेस्ट सेंड किया उसका यूजर नेम। ठीक है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि आप रूम में ज्वाइन होना चाहते हैं। अगर हाँ तो आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक कर देना है और आप एक रूम में ज्वाइन हो जाएंगे, और आप लोग जो भी आपका फ्रेंड है और आप लाइव गेम खेल पाएंगे, बस बोल नहीं पाएंगे, बाकी लाइव क्रिकेट खेल पाएंगे। तो ये है फ्रेंड रिक्वेस्ट का मतलब, और गेम रिक्वेस्ट का भी यही है। कोई हमें मतलब गेम रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो यही मतलब है। एक बार इसमें चल के देख लेते हैं। गेम रिक्वेस्ट, टूर्नामेंट्स, डेटा, फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्लिक करते हैं। हैंड क्रिकेट सिलेक्टेड, रिसीव्ड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, रिसीव एक सेंड, सेंड सेंड, ठीक है, रिसीव और सेंड। मैसेज रिव्यू, यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं है। नो फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है, नो फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आती तो यहाँ पे शो करता। ठीक है, तो ये फेसबुक की तरह है।
जैसे मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट आई, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेप्ट करना होगा वो। और गेम रिक्वेस्ट है कि गेम को खेलने के लिए, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट में जो फ्रेंड होंगे वो आपके फ्रेंड भी रहेंगे, वहाँ पे दिखाते हैं ना फ्रेंड कितने आपके, तो वही चीज। तो यहाँ पे सेंड रिसीव, एक बार सेंड पे चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे गेम रिक्वेस्ट में। Stop record, 3 minutes. New recorder. 3 minutes. No friend request. Resign. Proceed. Hand cricket. New recorder. Proceed. Hand cricket. चलिए back करते हैं. Back. Hand cricket. Open navigation. Menu. Menu पे क्लिक किया और चलते हैं अब गेम रिक्वेस्ट में। Mission Sherman. Your profile. Frederick. Tournament. Game request. क्लिक किया। Hand cricket. Game request button. अब यहाँ पे गेम रिक्वेस्ट बटन है, क्लिक करते हैं। कुछ नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है हमें। बहुत कम खेलता हूँ मैं इसलिए। चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कुछ है तो। Resign review. No game request. Stop record. No game request. Hand cricket. No game request. ठीक है, तो नो गेम रिक्वेस्ट का मतलब कोई गेम रिक्वेस्ट नहीं आई है। आएगी सीधा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आएंगे ज्वाइन कैंसिल, आप कर दीजिएगा। ठीक है, अब मेन ऑप्शन चलते हैं फ्लैश चैलेंज में। फ्लैश चैलेंज का मतलब होता है कि जैसे आप इस पर क्लिक करते हो वो आपका मतलब प्लेयर फाइंड करता है कोई चैलेंज वाला, ठीक है, जो आपका चैलेंज आपसे कर लेता है उसी से आपका मैच लग जाता है। चलिए एक बार देखते हैं इसे भी। Hand cricket. Open navigate. Click at menu. Statistics. Flash challenge. Game request. Flash challenge. तो देखिए जैसे हम play challenge पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखिए। Hand cricket on left. Start recording on right. Please wait. We'll find you a challenger. बोलेगा please wait. You'll find your challenger. यानी find करता है। अभी कुछ second लेता है। देखते हैं find करता है या नहीं। ठीक है। अगर कोई प्लेयर ऑनलाइन होगा तो ये जरूर सीधा वहीं ना जाएगा, नहीं तो एक एरर आ जाएगा। तो अब ये फाइंड कर रहा है, आ गया। देखिए देखिए आप देख पा रहे होंगे हम एक पेज पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर हम टॉस करेंगे, ठीक है, वन सेकेंड। चलिए कोई नहीं, क्लिक किया। देखिए यहाँ पे सिक्का उछल चुका है और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम गेम को खेल सकें। चलिए देखते हैं। ओके, हम बॉल लेंगे। देखिए सिंपली आपको लेफ्ट राइट सर्व करना, क्लिक करना है। बॉल पे मैंने क्लिक किया तो देखते हैं उसकी ओर से भी वो मतलब रेडी करेगा, ठीक है। और जैसे हम अपना ब्लाइंड टाइप्स मैच खेलते हैं ऐसे इसमें बटन है, एक लाइन में 1-2-3, दूसरी लाइन में 4-5-6। देखते हैं, रेडी पे क्लिक किया। देखिए हैंड क्रिकेट, लेट्स मैच ऑन लेफ्ट, स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन राइट, गेट रेडी टू बॉल। ओके, सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। इसमें लेफ्ट राइट स्वाइप नहीं मत करना, एक्सप्लोर बाय टच खेलना। ओके ओके कर दिया, हैंड क्रिकेट चैट बटन। और ये जो आप यहां पे चैट भी कर सकते हैं, हाय हाउ आर यू ये सब लिख सकते हैं, वो बाद में बताएंगे, अभी खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए 5 रन, तो चलिए तो यही तो मुझे मानने लग गया अभी से। बाप रे, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये जो मैच होता है ये 2 या 3 विकेट का होता है। 7:41 7 minutes, 4 stop, 3-5 runs, 3 button. ये रिकॉर्डिंग की वजह से मैं 2 button. Okay, 5 runs. 5-4 button. Shit, I'm mad at 2 run. Okay, guys. 5 button. 6 button. 1 run. अब स्लो खेलने लग गया, कोई बात नहीं। 1 run. 5.
3 runs. Okay. 5. 1 runs. Guys, अब उसे पता चल गया शायद. 1 button. इसका यूजर नेम पता नहीं क्या है. 2 runs. मैंने देखा भी नहीं है. चलिए. 3 button. ओके गाइस, अभी देखिएगा 50 होगी तो कैसे बजेगा. और ये गाइस ये आउट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं अब क्या मारता है. फिर भी नहीं मान रहा है. शॉट तो फिर भी मार ही रहा है. कोई नहीं, एक रन. ठीक है, तो इस तरह से हम खेलते हैं. ठीक है, चलिए कोई नहीं. तो लास्ट विकेट रह गया है और देखते हैं कि कैसे, मतलब कब वो आउट होता है. चलिए एक रन मार दिया. ठीक है, नो प्रॉब्लम. इसने रन बहुत बना लिए. कोई नहीं, हम भी इसका चैलेंज से. ओहो, पन्ने क्या हो गया गाइस, मान नहीं रहा है. तो देखिए इसका यूजर नेम देखते हैं एक बार. मार दिया गाइस, बहुत अच्छा. ओहो, 4 रन्स. 2 रन्स. कोई नहीं, यार एक लास्ट विकेट है. बहुत छक्के मार रहा है यार गाइस ये तो, मतलब. चलिए इसका यूजर नेम देखेंगे अभी. और अब ये देखते हैं कि बैट आ गया है. अब देखते हैं लेफ्ट राइट स्वाइप करके कितने का टारगेट दिया है. अच्छा, ये मेहताब है और इन्होंने 75 रन का टारगेट दिया है हमें. चलिए देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं. Need 76 more to win. ओके, करते हैं. चलिए. खेलना पड़ेगा, खेल के नहीं खेलना पड़ेगा. चलिए कोई नहीं गाइस, मैं अभी गेम ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जो भी मेरे मन में आता है मैं करता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है. अरे गया, कोई बात नहीं. ये बात, कोई बात नहीं गाइस, अगर हार जाऊंगा तो मुझे माफ करना. वैसे मैं बहुत अच्छा खेलने की कोशिश करता हूँ. फिर भी मैं बहुत अच्छा खेलने की कोशिश करता हूँ. कोई बात नहीं, अब तो पक्का मेरी विकेट गई. लग रहा है यहाँ पे बोल रहा है बेटर लेग नेक्स्ट टाइम. कोई बात नहीं, मेहताब जी ने हमें हरा दिया. वैसे मैं खेलता बहुत अच्छा हूँ और आपको खेल के भी दिखाऊंगा, कंप्यूटर के साथ भी और वैसे भी, है ना. ये तो फ्लैश चैलेंज में हम खेल रहे थे. तो चलिए गाइस, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं. लेकिन देखिए, मिशन शर्मा 16, मैं 16 ही रन बना पाया, 75 रन का टारगेट दिया था. बहुत बुरी बेइज्जती हो गई यार, बहुत बुरी बेइज्जती हो गई. कोई बात नहीं गाइस, -3 200 कॉइंस मेरे चले गए यार. देखो 200 कॉइंस की एंट्री थी, 200 कॉइंस चले गए. ये महताब 06 इंडिया, ओके इनका नाम था. ये शायद मेरा दोस्त तो नहीं है कहीं, पता नहीं, है ना. चलिए कोई नहीं, -3 जो 200, ओके ओके बटन, ओके करते हैं. अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं. चैट बटन, यहाँ पे एक ऑप्शन है चैट बटन. Okay. Okay, मेहताब जी ने
गेम को वन वन किया। Match of 06 India Poland 75-3. ओके इन्होंने 75 बनाए। Current score Poland 11. ओके 200. WKTS 3. Anadabos SDM. Coins 2. Play again button. Play again. Main menu button. Main menu. चलिए गाइस Home. आज की वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले System launcher. Overview button. System UI. आपको हम समझा दें कि क्या क्या हमने आज बताया। सबसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे तो फ्रेंड आपके रहेंगे, वो जैसे फेसबुक पर फ्रेंड बनते हैं वैसे ही, ठीक है। और अगर आप गेम रिक्वेस्ट जो ऑप्शन है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं मतलब, तो गेम खेलने के लिए ओनली प्लेयर आएगा, वो आपका फ्रेंड नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो है फ्लैश चैलेंज। फ्लैश चैलेंज में ये किसी भी प्लेयर से प्ले करने के लिए हमें बोल देता है, जैसे अभी मैंने मेहताब जी के साथ खेला, 76 का टारगेट मिला लेकिन मैं 60 नहीं बना पाया 3 विकेट के नुकसान पर, ठीक है। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट में कुछ नहीं करना, आपको कोई भी भेजेगा आपको क्लिक करना है और खुद ही बोलेगा आपसे करने के लिए। और गेम रिक्वेस्ट में आपको ज्वाइन रूम करने के लिए बोलेगा, तो आपको रूम में ज्वाइन हो जाना है। एक सेकेंड गाइस, तो ये है, ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो, कुछ भी समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सॉरी यार मैं हार गया, नेक्स्ट टाइम खेलूँगा तो कोशिश करूँगा जीतने की। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।